कोरबा जिला प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग रुंगरा एयर स्ट्रिप में करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि खराब मौसम और ईंधन की कमी के कारण हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल मंत्री अमरजीत भगत रायपुर से अंबिकापुर जाने निकले थे, लेकिन कोरबा पहुंचते ही अचानक मौसम में आई खराबी की वजह से पायलट को बालको क्षेत्र के रुंगरा स्थित एयर स्ट्रिप में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मंत्री बालको के विश्राम गृह में कुछ देर रुके। मंत्री के इमरजेंसी लैंडिंग की खबर लगते ही प्रशासनिक अधिकारी एयर स्ट्रिप पहुंचे। वहीं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकेट्टा सहित जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। कुछ देर रुकने के बाद मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर से वापस मंत्री अमरजीत भगत रायपुर लौट गए। एयर स्ट्रिप में मीडिया से बातचीत में प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के लोग आज के दिन अपनी सभ्यता संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के लोग 9 अगस्त को सरकारी छुट्टी के लिए संघर्ष करते रहे। पिछली सरकार में उनकी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिना मांगे 9 अगस्त को छुट्टी घोषित किया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी समुदाय को पूरे देश में, पूरे दुनिया में आज का दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। आज का दिन अपनी संस्कृति को लेकर के, अपनी सभ्यता को लेकर के, अपनी जो रीति रिवाज है उसको लेकर के लोग आयोजन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। और वास्तव में पूरे दुनिया के आदिवासी आज के दिन को बहुत बड़ा दिन मानते हैं, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में इतने वर्षों तक आदिवासी वर्ग के लोग 9 अगस्त के लिए छुट्टी के लिए संघर्ष करते रहे। पिछले सरकार में उनकी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय भूपेश बघेल जी ने बिना मांगे 9 अगस्त को आदिवासी समाज के लिए अवकाश घोषित किया। उनके प्रति भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।